नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के पहाड़गंज में बदमाशों ने पुलिस की वर्दी में 2 करोड़ के गहने लूट लिए। ये लूटपाट कुरियर कंपनी के कर्मचारियों के आंखों में मिर्च पाउडर डाल करके किया गया। ये घटना बुधवार तड़के 4 बजे की है। अज्ञात बदमाशों ने कुरियर कंपनी के कर्मचारियों की आंख में मिर्च डाला और 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूट को अंजाम दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि 4 लुटेरे साथ में थे, जिसमें से कि एक पुलिस की वर्दी में था। ये भी जानकारी मिल रही है कि कुरियर कंपनी के कर्मचारियों को ये आभूषण चंडीगढ़ और लुधियाना भेजने थे। पुलिस के अनुसार उनके पास सुबह 4:49 पर कॉल आई थी। सूचना मिली कि पहाड़गंज में 2 लोगों ने एक व्यक्ति की आंख में मिर्च पाउडर डालकर उससे कुछ सामान लूट लिया। जांच करने पहुंची पुलिस को बाद में पता चला कि 2 बैग बदमाश छीन करके ले गए हैं। इसमें ज्वेलरी से भरे बॉक्स थे, जो चंडीगढ़ और लुधियाना ले जाना था। आरोपी एक पुलिस वर्दी में भी था। उसने पहले जांच के नाम पर रोका, तभी 2 लोग पीछे से आए और उन्होंने कुरियर कर्मचारियों की आंखों में मिर्च झोंक दिया। उन्होंने उनके बैग और बॉक्स को लूट लिए। इस ज्वेलरी की कीमत 2 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। पुलिस की बेचैनी बढ़ गई है कि राजधानी जैसी जगह पे तड़के यदि 2 करोड़ रुपए की लूट होती है, तो स्वाभाविक रूप से शक जाता है कि आखिरकार कुरियर कंपनियों के जो कर्मचारी थे, उनमें से तो किसी का हाथ नहीं। कौन पुलिस की वर्दी में आया, किसने जांच के नाम पर रोका, 3 लोग कौन साथ में थे, अब इसकी तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। जैसे ही इसको लेकर के अपडेट मिलेगा, आपसे साझा करेंगे। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।